ई बुक को प्ले स्टोर में किस तरह से सेल किया जाता है, चलिए आपको जो है मैं दिखाता हूँ। आपको गूगल में आना है और गूगल प्ले बुक पार्टनर सेंटर लिखकर आपको जो है सर्च करना है। उसके बाद देख लीजिए नीचे में यहाँ पर गूगल प्ले बुक पार्टनर सेंटर लिखा है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर जो है आपको क्लिक करना है। नीचे जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए गेट स्टार्टेड लिखा है, यहाँ पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है पब्लिशर बस हैं तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, और आप जो है बुक को खुद ही लिखे हैं तो फिर आपको जो है पब्लिशिड आउटर सेल पर पब्लिशिड आउटर लिखा है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। तो फिर राइटर जो है हम खुद हैं, इसको लिखे हैं बुक को, तो फिर हम जो है इस पर सेल पर पब्लिशिड यहाँ पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है नाम लिखेंगे, पब्लिशर का नेम में हम जो है अपना नाम जो है लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद कंट्री में हम जो है इंडिया सेलेक्ट करेंगे, हम जो है इंडिया से हैं तो फिर हम जो है इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं तो फिर आप जो है दूसरा कंट्री जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास वेबसाइट है तो फिर वेबसाइट जो है डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर नहीं छोड़ दीजिए उसको। फिर हम जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, तो फिर यहाँ पर देख लीजिए हम जो है अपना इंडिया को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना मोबाइल देख नंबर लीजिए यहाँ डालेंगे। पर आपको मोबाइल नंबर जो है डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको जो है अगर आप जो है ईमेल चाहते हैं तो फिर अपडेट जो भी है उसका जो है आप ईमेल जो है चाहते हैं तो फिर यहाँ पर अपडेट पर जो है आप जो है यहाँ पर टिक कर दीजिए, क्लिक कर देंगे। और फीडबैक भी अगर चाहते हैं तो फिर इस पर जो है आप क्लिक कीजिए, तो आपके मोबाइल में जो है ईमेल में मैसेज आता रहेगा। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर हम जो है क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पार्टनर क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से पेज जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पर देख लीजिए इन सभी को जो है आपको जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म को जो है फिलअप करना पड़ेगा। तो फिर क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल लिखा है, यहाँ पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो है लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर हम जो है अपना प्रोफाइल नेम में जो है हम जो है अपना नाम जो है डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे में और जो है बिजनेस लोकेशन दिखाई दे रहा है, तो फिर हम जो है इसको जो है हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी आ गया यहाँ पर, तो फिर हम जो है सभी को जो है फिल कर देते हैं। देख लीजिए हम जो है पूरा फिल कर दिए हैं, घनश्याम लिख दें यहाँ पर। बिजनेस लोकेशन में हम जो है यहाँ पर अपना इंडिया को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जिस भी कंट्री से हैं उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम जो है इंडिया से हैं तो फिर इंडिया जो है सिलेक्ट कर लिया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सेटअप हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अकाउंट टाइप बिजनेस लिखा है, तो फिर हम जो है यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन में हम जो है अपना पैन कार्ड को जो है डाल देते हैं, पैन कार्ड नंबर को। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पैन कार्ड नंबर हम जो है डालेंगे। अगर आपके पास TN नंबर है तो फिर उसको भी डाल सकते हैं, GST नंबर है उसको भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर पैन कार्ड से जो है काम चल जाएगा। उसके बाद नेम और एड्रेस जो है यहाँ पर हम जो है अपना नाम और एड्रेस को जो है फिल कर देते हैं। बिजनेस नेम में हम जो है अपना नाम लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप जो है जो भी लिखना चाहते हैं उसको जो है लिख सकते हैं। तो फिर हम देख लीजिए अपना नाम लिख दिए हैं, पूरा पिन कोड वगैरह सभी जो है लिख दिए हैं यहाँ पर। सिटी में जो है आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं उसको जो है लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो पेमेंट मेथड में जो है हम जो है आ जाएंगे। पेमेंट मेथड में हम जो है अपना पेमेंट को जो है अकाउंट नंबर को जो है डाल देते हैं इसमें पूरा। तो हम जो है अकाउंट नंबर, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड भी जो है आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्विफ्ट कोड जो है आप बैंक से पता कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, पर बैंक में जाकर जो है आप पूछ लीजिएगा, आपके बैंक खाते में भी लिखा रहता है स्विफ्ट कोड। तो हम जो है सभी को जो है फिल कर दिए हैं। उसके बाद सेव पर हम जो है क्लिक करेंगे, तो फिर हमारा जो है पेमेंट फिल हो गया। देख लीजिए बैंक अकाउंट भी फिल हो गया यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर हमारा पेमेंट मेथड जो है फिल हो गया है, हम इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है बैंक में जाएंगे और यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है नेक्स्ट आपको जो है इंटर जो टैक्स इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पर हम जो है क्लिक करेंगे। हम जो है अपना पैन कार्ड जो है डाल देते हैं,
अगर नहीं डाले हैं तो फिर डाल दीजिएगा। इस पर हम जो है क्लिक कर रखेंगे, डाल दिए हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है लिंक होगा, यहाँ पर देख लीजिए लिंक एक बार, टेक्स इन्फॉर्मेशन में राइट का निशान जो है टिक हो गया। उसके बाद एड योर फर्स्ट बुक लिखा है, यहाँ पर हम जो है क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम जो है अपना सेल ऑप्शन लिखा है यहाँ पर जो है, तो फिर हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सेल ई बुक ऑन गूगल पे लिखा है, तो फिर हमको जो है सेल करना है, तो फिर हम जो है इस पर जो है क्लिक करेंगे सेल पर। उसके बाद सिलेक्ट अ बुक आईडी, अगर आपके पास बुक आईडी है तो फिर उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं है तो फिर गेट अ गूगल बुक आईडी पर हम जो है क्लिक करेंगे, तो गूगल जो है हमारा आईडी खुद बना देगा। उसके बाद सेव और कंटिन्यू पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लोडिंग ले रहा है। उसके बाद देख लीजिए अबाउट द बुक, तो फिर हमको जो है बुक के बारे में लिखना है, बुक का टाइटल जो है यहाँ पर लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लैंग्वेज, बुक आपका कौन सा लैंग्वेज में उसको जो है सिलेक्ट करना है। और पब्लिकेशन डेट, यहाँ पर हम जो है इंग्लिश लिखा है तो फिर हम जो है यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। बुक हमारा हिंदी में है तो फिर हम जो है हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर और कोई भी भाषा में होगा आपका बुक तो फिर उसको जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा बुक जो है हिंदी में है तो फिर हम जो है यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए टाइटल जो है लिख दिया हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ, उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी, और यहाँ पर पब्लिशर हम खुद हैं पब्लिशर, फिर हम जो है अपना नाम जो है लिख दिए हैं। और यहाँ पर पब्लिक डेट में हम जो है आज का डेट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और सेल डेट में भी हम जो है आज का ही डेट जो है हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपना। आप जो है जिस डेट पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको जो है कर लीजिएगा, तो फिर आप जो है आज का डेट ही डाल दीजिएगा। उसके बाद पेज काउंट में जो है आपका बुक पीडीएफ बुक जो है जितना भी पेज है उसमें उसको जो है यहाँ पर आपको जो है लिख देना है। तो फिर हमारा बुक जो है 123 पेज का है, तो फिर हम जो है यहाँ पर 123 पेज जो है लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रिलेटेड बुक में जो है आप रिलेटेड बुक भी डाल सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमारा बुक जो है यहाँ पर देख लीजिए टाइटल यहाँ पर हमारा डल गया, डिस्क्रिप्शन, बुक आईडी, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मेट में जो है आपको जो है ई बुक ही सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट है तो फिर रहने दीजिए। 123 पेज हमारा जो है। और सीरीज नेम हम कुछ नहीं लिखे हैं, सीरीज नंबर में भी कुछ नहीं लिखे हम। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एज में भी हम जो है कुछ नहीं लिखे हैं, नीचे में मिनिमम एज में मैक्सिमम एज, और बाकी को ऐसे ही रहने देंगे। और सेव और कंटिन्यू पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए हमारा जेनेरस लिखा है, यहाँ पर हम जो है पहुँच गए। अब यहाँ पर देख लीजिए बेसिक नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर जो है रहने देते हैं उसको जो है नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कोड में हम जो है अपना बुक का कोड जो है सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है तो फिर इसको हम जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स बजटिंग को हम जो है सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो है अपना कोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर गूगल कर का जो है देख सकते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूट में हम जो है आएंगे, और यहाँ पर हम जो है हम खुद ही हैं राइटर, तो फिर हम जो है यहाँ पर अपना नाम जो है लिख देते हैं, हम जो है खुद लिखें इस बुक को। तो फिर हम जो है सेव और कंटिन्यू पर हम जो है क्लिक करेंगे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए हो गया, यहाँ पर टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पर कॉन्टेंट में क्लिक कर हम जो है अपना पीडीएफ बुक को जो है यहाँ पर ला लेंगे। और कवर में हम जो है जो भी कैनवा वगैरह से बनाए उस कवर को जो है ला लेंगे। और यहाँ पर बुक प्राइस में हम जो है प्राइस सेट कर लेंगे। उसके बाद सेव और कंटिन्यू पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम सेटिंग में आ गए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप जो है प्रीव्यू लिमिट आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर दिखाना चाहते हैं अपना 20%, तो फिर यहाँ पर 20% सेलेक्ट रहने देते हैं। आप जो है ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पर हम जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हम पब्लिश पर जो है क्लिक करेंगे, तो फिर हमारा जो है बुक जो है रिव्यू पर चला जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है आपको जो है मैसेज मिल जाएगा कि आपका बुक जो है पब्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। या आप यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपका बुक जो है, देख लीजिए गूगल बुक सर्च अभी
रिव्यू पर है, अभी पब्लिक नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद जो है ये जो है रिव्यू से हटकर पब्लिक हो जाएगा, आपके पास जो है मैसेज आएगा, आप जो है चेक करते रहिएगा इसको। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है दे दिया हूँ, आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।